सके नहीं कोई। लाया तो ऐसी लाया कि ला सके नहीं कोई, राखी तो ऐसी राखी कि राख सके नहीं कोई। हनुमान लंका में कूदा कूद सके नहीं कोई, और श्रवण कावड़ फेरी फेर सके नहीं कोई। भागीरथ गंगा को लाया ला सके नहीं कोई, शंकर अद्विच जटा में राखी तो राख सके नहीं कोई। संसार सागर है अगरे, संसार सागर है अगरे, तो मात पिता ही नाव है। जिसने सेवा माता पिता की करी तो उसका बेड़ा पार है। जिसने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते न बारंबार है। श्रवण अपने अंधे माता पिता को कावड़ में बिठा करके सर्व यात्रा करवाता हुआ अवध नगरी के पास में आया। अंधे माता पिता बोले, बेटा ये कौन सा शहर है? बोले दे अवध नगरी है। माता पिता कहने लगे, थोड़ा तू विश्राम ले ले और हमको पानी पिला दे। अरे बेटा अवध नगर कितनी दूर है, हमको प्यास लगी भरपूर है। अरे थक गए होंगे पांव तू रुक जा रे, सुन श्रवण लाले हमारे प्यासे को नीर पिला रे। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता को लेकर के अवध नगरी के कांकड़ के अंदर जंगल में माता पिता के वचन का पालन करते हुए ठहर जाता है। राजा दशरथ के उस वक्त में कोई संतान नहीं थी। राजा भी श्रवण पे आधार रखता था कि कब श्रवण आवे। महल में बैठे बैठे विचार कर लिया, अधिपति यूं कहने लगा, नहीं आया श्रवण कुमार। हाय पुत्र मेरे नहीं तो मैं जिसको ले निहार। पुत्र के बिना तो जग में सुने बाग बहार। पुत्र के वियोग में राजा दशरथ खेलन चला शिकार। सारे दिन भर घूमता रहा फिरता रहा लेकिन राजा को कोई शिकार नहीं मिली। सोच लिया, रात को सरयू नदी के अंदर पानी पीने के लिए सिंह आएगा जब शिकार करके चलेंगे। वृक्ष की आड़ में राजा दशरथ खड़ा हो जाता है और उधर से श्रवण अपने अंधे माता पिता के लिए
अरे सुबह से शाम हो आई, कोई शिकार नजर नहीं आई। लेकर के पानी के लिए रवाना हुआ, पैरों की आवाज आई। राजा दशरथ ने सोच लिया कोई सिंह पानी पीने के लिए आ रहा है। राजा दशरथ को शब्द रूपी बाण चलाना आता था, आवाज पे बाण देता खाली नहीं जाता, शिकार दिखो या न दिखो। पैरों की आवाज आई, लेकर कमंडल सरवन चला, जब पानी की आस में राजा दशरथ वहां खड़ा था सिंह की तलाश में। घनघोर काली रात थी, पत्ते बिछे थे राह पर, पैर की आवाज सुन राजा बाण धर लियो चाप पर। सरवण ने कमंडल को डबोया, पानी भरने की आवाज आई। अरे राजा ने सोच सिंह कोई आयो तो सरवण पर बाण चलायो।
नल सरवन चला जब पानी की आस में राजा दशरथ वहाँ खड़ा था सिंह की तलाश में। घनघोर काली रात थी पत्ते बिछे थे राह पर पैर की आवाज सुन राजा बाण धर लियो चाप परे। राजा सोच लिया कोई सिंह पानी पी रहा है। राजा ने सोच सिंह कोई आयो सरवण पर बाण चलायो जा सरवण के लग जा रहे सुन सरवण लाल हमारे। बाण लगते ही कमंडल छूट गया तरफड़ा करके धरनी पर पड़ा। हा माता पिता की आवाज आई। राजा दशरथ के कानों में भनक पड़ते ही घबरा गया बोला ये तो मेरे हाथ से कोई आदमी मारा गया। भाग करके राजा दशरथ वहां पर आता है। कमंडल इधर पड़ा सरवण इधर पड़ा अंतिम के सांस आ रहे आकर के आवाज लगाई सरवण सरवण। हाय की आवाज सुन करी राजा वहां पर आ गयो। अर तीर सीना तीर कर सरवण के हिवड़े पार भयो। देख दशा सरवण की तो फूल जू कुमला गयो। हाय मेरे हाथ से मेरो ही सुत मारो गयो। सरवण को उठा करके अपनी गोद में ले लिया सरवण सरवण आवाज लगाई। राजा दशरथ की तरफ देख करके सरवण आंखों में पानी भरी आए। सरवण मेरे को तो बता मैं क्या करूं। राजा दशरथ को ये मालूम नहीं कि मैं कौन सी जगह हूं और मेरे हाथ से क्या हो गया। सरवण से कहने लगा सरवण मेरे को तो बता मैं क्या करूं। जब सरवण कहने लगा महाराज मेरी तो अंतिम है। अरे मैं पहले पुत्र को हारो दूजा पुत्री पर आया ने मारो। मैं पहले पुत्र को हारो दूजा पुत पर आया ने मारो। अरे सरवण मुख से कछु मुझे बतला रे सरवण लाल हमारे प्यासे को नीर पिला रे। आंखों में पानी भरी आया कहने लगा महाराज। राजा दशरथ कहने लगा मैं पहले पुत्र को हारो दूजा पुत पराया ने मारो। सरवण मुख से कछु मुझे बतला रे सुन सरवण लाल हमारी मेरे को तो बता मैं अब क्या करूं। सरवण के आंखों में आंसू पड़ रहे
कहने लगा, महाराज मेरी तो अंतिम है, इसमें कोई आपका दोष नहीं, ये आपके हाथ से मेरी मृत्यु लिखी थी, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं आपके पूछने पर बताता हूँ कि मेरे अंधे माता पिता जंगल में मेरी बाढ़ देख रहे हैं। धीरज धरो, चिंता मत करो, धीरज धरो, चिंता मत करो, इस पात्र को जल से भरो, मेरे अंधे माता पिता प्यासे मरे, मेरी तो चिंता मत करो। पहले पिलाना नीर उनको, अरे पीछे कहना कि श्रवण मरो, अंत का ये तंत है, इतना धर्म मुझ पर करो। महाराज मेरे अंधे माता पिता जंगल में मेरी बाढ़ देख रहे हैं, उनको पानी पिला दो, लेकिन मेरे मरने के समाचार बाद में कहोगे, वरना वो प्यासे खत्म हो जाएंगे। इतनी सुनते ही राजा दशरथ घबरा गया, श्रवण काल बस हो जाता है, मुख को फेर लिया, अरे मुख फेर लियो लाल नहीं बोले, राजा अपना हृदय टटोले, अरे श्रवण छाती के मारे लग जा रे, आसुने श्रवण लाले हमारे, विचार कर लिया, बोले अंधे माता पिता के पास में पानी लेकर के चलूंगा, लेकिन पिएंगे नहीं, लेकिन श्रवण के वचन का भी पालन करना जरूरी है। राजा दशरथ कमंडल को जल से भर लिया, और जब एक कदम आगे देता ऑटोमेटिक दो कदम पीछे आते। महाराज दशरथ की इतनी शक्ति नहीं चलती कि मैं माता पिता को जाकर के पानी पिला दूं, लेकिन कैसे भी करके धीरज धर के अंधे माता पिता जहां बाढ़ देख रहे थे वहां जाकर के गोदी में बिना बोले चले पानी के कमंडल को धर दिया। अंधे माता पिता देख करके कमंडल को बोले, कौन बेटा? श्रवण। श्रवण श्रवण आवाज लगाई, राजा बोला नहीं मैं बोलूंगा तो ये पानी नहीं पियेंगे। अंधे माता पिता कहने लगे, श्रवण की सुन बात को, तो राजा हुआ हदीर, लाख जतन राजा करे पर दिल धरता नहीं धीर।
भर के कमंडल माता पिता के, तो गोदी में धर दियो नीर। क्यों बेटा बोले नहीं तो तेरा थर तर करे शरीर। तू शरवण है या कोई और है? अगर हमारा बेटा शरण होता आते ही हमारे से पहले बोलता, धोखा होता है कि तू हमारा बेटा नहीं है। अरे लाला या कोई आफत आई, मान तू शरवण दिखे करे पर दिल धरता नहीं धीर। भर के कमंडले माता पिता के, ले जा गोदी में धर दियो नीर। क्यों बेटा बोले नहीं तेरा थर थर करे शरीर। लाला या कोई आफत आई, मान श्रवण दिखे नहीं, मान तू सांची बात बतला रे, तू कौन है? राजा मधुरी वचन से गदगदी कंठ हो रहे, बोला नहीं जाता। लेकिन महाराज दशरथ कहने लगे, मैं सही बताऊंगा जब भी पानी नहीं पिएंगे, और नहीं बताऊंगा जब भी नहीं पिएंगे। असली घटना बतानी पड़ेगी। राजा कहने लगा, लाल नहीं मैं काल हूं, लाल नहीं मैं काल हूं, तेरे लाल को खा गयो सिंह के धोखे में, मेरे हाथ श्रवण मारो गयो। लाल नहीं मैं काल हूं, तेरे लाल को खा गयो सिंह के धोखे में, मेरे हाथ श्रवण मारो गयो। इतनी बात सुनते ही अपने बेटे की कान में भनक पड़ते ही अंधे माता पिता कावड़ से तड़फड़ा करके धरनी पर पड़े। मेरे पुत्र को मार करे आजो स्वागत तू कियो, कौन जन्म को बैर मासू ई जन्म में ले लियो। अरे धरती पर खाए पछाड़े, वो तो लाल ही लाल पुकारे।
लाई फल पाएगा, पुत्र की ममता का तुझे पता लग जाएगा।